आज बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही दुखद विषय को लेकर आप सबके बीच में मैं उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि पिछले कई दिनों से पूरा विपक्ष इस बात को और इस मुद्दे को बहुत मजबूती से उठा भी रहा है कि नए संसद भवन का जो उद्घाटन होना है उसमें किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपनी दलित विरोधी मानसिकता, आदिवासी अनुसूचित जनजाति विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। और हर बार ये देखा जाता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित राज्यों के अंदर भी किस प्रकार से दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर आए दिन अत्याचार होते हैं और भारतीय जनता पार्टी की उन राज्यों में जो सरकारें हैं वो किस प्रकार से मूक बधिर होकर बैठी रहती हैं। और अब तो हद ही हो गई है अपनी दलित विरोधी मानसिकता का प्रदर्शन करने में, जो कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का भी अपमान, उस पद का भी अपमान इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उस पद के ऊपर जो लोग आसीन हैं वो दलित हैं, वो आदिवासी हैं। जब नए संसद भवन का शिलान्यास किया जा रहा था तब उस वक्त के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को निमंत्रण नहीं दिया गया था, इस बात को दर्शाते हुए कि किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में, किसी भी प्रकार के विधि विधान में या शुभ कार्यों में दलितों का उपस्थित होना इन लोगों को खलता नहीं है, इन लोगों को जो है अच्छा नहीं महसूस कराता है। और यही कारण था जब नए संसद भवन का शिलान्यास रखा जा रहा था, नए संसद भवन को बनाने की तैयारी की जा रही थी, तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी को वहां से नदारद रखा गया, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। ये एक सोची समझी रणनीति, ये सोची समझी मानसिकता, आज मैं इसे इसलिए कह रही हूं क्योंकि अब जब उस नए संसद भवन का उद्घाटन होना है, उस नए संसद भवन को का लोकार्पण होना है, उस संसद भवन को जब जनता के लिए और नए सांसदों के लिए खोला जाना है, तब भी मौजूदा जो हमारी राष्ट्रपति हैं, जो आदिवासी समाज से आती हैं, उनको निमंत्रण ना देना, उनके द्वारा उनके कर कमलों से उनका उसका उद्घाटन ना करवाना, इस बात की ओर साफ साफ इशारा करता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जनजाति के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक वोट बैंक समझती है, वोट बैंक के लिए इनको पदों पर आसीन रखती है। लेकिन जब बड़े बड़े उद्घाटन होने चाहिए जहां पर उनकी मौजूदगी कानून के तौर पर, संविधान के तौर पर और योग्यता और पद के हिसाब से उपस्थिति उनकी महत्वपूर्ण होनी चाहिए, तब तब उनको वहां पर नजरअंदाज किया जाता है, बुलाया नहीं जाता है। मैं आज अपने तमाम मीडिया के बंधुओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि आज जिस सत्ता में आप लोग बैठे हैं, अलग अलग राज्यों की सत्ता में जो आप बैठे हैं, वो दलित समाज के वोटों से, आदिवासी समाज के वोटों से, जनजाति जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके वोटों के उससे बैठे हुए हैं। और आज एक एक वोटर, आज इस देश का पूरा दलित समाज, पूरा आदिवासी समाज, पूरा पिछड़ा वर्ग आपकी इन हरकतों को देख रहा है और बहुत ज्यादा आहत है अपने सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों के अपमान को देखते हुए। तो वो दिन दूर नहीं जब इस देश का पूरा दलित समाज एक होगा और आप लोगों को इस अपमान के बदले में सबक सिखाएगा और आपको सत्ता से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगा। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ी सी शर्म बची है, थोड़ी सी अगर इनके अंदर इस बार देश के प्रति सम्मान और मान बचा है, तो देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हुई हमारी जो राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी जी, उनको ये बुलाएं और उद्घाटन उन्हीं के कर कमलों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ और जो पत्रकार साथी दिल्ली सरकार को कई वर्षों से कवर कर रहे हैं, उन्होंने अक्सर ये बात कही है कि कांग्रेस की सरकार जब दिल्ली में रही तो पहली बार कांग्रेस की सरकार 98 में बनी और 98 से लेकर 2013 तक शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही।
1993 से 1998 तक भारतीय जनता पार्टी के तीन मुख्यमंत्री रहे। भारतीय जनता पार्टी की बात तो बाद में करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के सबसे बड़े दिल्ली के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी दिल्ली के विषय में क्या कहते थे, क्या सोचते थे, उस पर बारे में बाद में विषय में बात करेंगे। 1998 से लेकर 2013 तक कांग्रेस की तीन बार दिल्ली में सरकार बनी, और ये सिर्फ पहली बार जब इनकी सरकार बनी तब ऐसा मौका आया जब इनकी सरकार दिल्ली में थी और एनडीए की सरकार केंद्र में थी, और केंद्र में भी एक बहुत मॉडरेट भारतीय जनता पार्टी के लीडर अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो यह समझा जा सकता है कि इनको कम परेशानियां हुई होंगी। अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं कि दिल्ली कांग्रेस के कुछ नेता दिल्ली के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लगातार झूठ बोल रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से खास तौर पे उसके दो नेता पिछले कुछ दिनों से झूठ फैलाने के अंदर लगे हुए हैं, और ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो दलीलें सुप्रीम कोर्ट में दे रही है, और दिल्ली के जिस कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात हम लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर कर रहे हैं या प्रेस के अंदर कर रहे हैं, वो झूठ है। और कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं की, कभी इस तरीके की विचार नहीं किया। आज मैं आपके सामने 11 सितंबर 2002 का कांग्रेस का वन डे के स्पेशल सेशन के मिनट्स लेके आया हूं, जिसके अंदर और किसी ने नहीं, खुद उस वक्त की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक मोशन मूव किया, केंद्र सरकार के खिलाफ ये मोशन मूव किया गया, और उसमें उन्होंने एमएचए द्वारा दो पत्रों का जिक्र किया 2002 में, कि एमएचए ने दो पत्र उस समय पे दिल्ली सरकार को लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली नाम की कोई चीज हम रिकॉग्नाइज नहीं करते, दिल्ली में सिर्फ एक ही गवर्नमेंट हो सकती है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, लिहाजा सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट है, और अगर दिल्ली के अंदर कुछ है तो वो एलजी है, यानी कि दिल्ली गवर्नमेंट को उन्होंने एलजी कहके डिफाइन किया 2002 में, और शीला दीक्षित उसके खिलाफ मोशन लेके आई, और उसके अंदर वही की वही सारी की सारी बातें कही गई हैं जो पिछले कुछ महीनों से हम लोग कह रहे हैं। अब वो बातें क्या हैं आप सुनिए। ये उनका रेजोल्यूशन है, दिस हाउस कंडेम्स दिस डिसीजन ऑफ होम मिनिस्ट्री टेकन विदाउट द कंसल्टेंसी ऑफ द पॉपुलरली इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट। दिस हाउस इज ऑफ व्यू that these orders are in total violation of all democratic traditions and harmonious relations between center and states. यहां पे कांग्रेस की मुख्यमंत्री दिल्ली को स्टेट गिन रही हैं। वो ये कह रही हैं कि इस तरीके का जो ऑर्डर आया है वो राज्यों और केंद्र के संबंधों को खराब करता है। आगे क्या कहते हैं, Moreover, the amendments to the rule this and this cannot take away what the Constitution Amendment Act and the Government of National Capital Territory Act 1992 have sought to give to the people of Delhi. हूबहु वही बात जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। जो शक्ति दिल्ली सरकार को Constitution से मिली उसको आप कोई अमेंडमेंट करके छीन नहीं सकते, वही बात इधर से इधर भी नहीं हुई, बिल्कुल वही की वही बात। आगे क्या कहते हैं, और ये और कोई नहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उस वक्त की शीला दीक्षित कह रही है, और ये हाउस में पास किया उन्होंने।
इट इज एन अनडिस्प्यूटेड फैक्ट दैट एनसीटी दिल्ली इज अ लीगल क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एंजॉय स्पेशल स्टेटस, जिसके लिए अजय माकन बार बार झूठ बोलते हैं कि अरे दिल्ली का तो कोई स्पेशल स्टेटस है नहीं, ये तो यूनियन टेरिटरी है, ये खुद अपने रेजोल्यूशन में कहते हैं।